हाई गाइज़ माई नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में भी हम लोग अपना हंड्रेड डेज ऑफ डीप लर्निंग प्ले लिस्ट कंटिन्यू करेंगे जैसा कि आपको पता ही है हम लोग ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं पिछले कई दिनों से हम उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आई एम प्रिटीश्योर आप इस वीडियो का बहुत दिनों से वेट कर रहे हो आज के वीडियो में हम लोग डी कोडर का आर्किटेक्चर समझने वाले हैं ठीक है सो so, अगर ये फेमस डाइग्राम आपको याद हो Uh, तो हम इस डायग्राम को डी करने में लगे हुए हैं पिछले कई महीनों से और हमने अभी तक uh, इस डायग्राम में एनकोडर वाला जो पार्ट है विच इज़ दिस पार्ट इसको अच्छे से पढ़ लिया है बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द डी कोडर पार्ट डी कोडर वाले में भी हमने मास्ट सेल्फ अटेंशन पढ़ चुके हैं हम लोग और क्रॉस uh, अटेंशन क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं एंड नाउ वी आर एक्चुअली रेडी टू स्टडी द आर्किटेक्चर ऑफ डी कोडर तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा फर्स्ट कि इस वीडियो को देखने के पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपने इस वीडियो के पहले जो 12 वीडियोस आए हैं इस प्लेलिस्ट में वो आपने ज़रूर देखे हों बिकॉज़ ये वीडियो उनके ऊपर बना हुआ है और सेकेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आर्किटेक्चर पढ़ेंगे डिकोडर का वो हम ट्रेनिंग के परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे मतलब जब ट्रेनिंग चल रही होती है उस टाइम पे डी का आर्किटेक्चर कैसे बिहेव करता है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इन्फ्रेंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन नहीं करेंगे मैंने आपको बता रखा है कि डी ट्रेनिंग के टाइम पे और इन्फ्रेंस के टाइम पे अलग अलग तरीके से बिहेव करता है हालांकि आर्किटेक्चर सेम है बट इन्फ्रेंस के टाइम पे वो रिग्रेसिव हो जाता है और ट्रेनिंग के टाइम पे नॉन ऑटो रिग्रेसिव तरीके से काम करता है तो इस वीडियो में हम जो फोकस करने वाले हैं वो ट्रेनिंग प्रोसेस पे करने वाले हैं इन्फ्रेंस के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डी काम कैसे करता है सो so, नक्शल में ये सारे वीडियोज़ देख कर आओ तभी आप ये वीडियो देखो और इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं हम डी का आर्किटेक्चर समझने वाले हैं ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से आई रियली होप आप बहुत एक्साइटेड हों लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो डिकोडर का आर्किटेक्चर समझाने के लिए मैं दो अप्रोचेस यूज करूंगा फर्स्ट अप्रोच में मैं क्या करूंगा कि मैं आपको एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा डिकोडर का जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि डिकोडर का आर्किटेक्चर बना कैसे है एक बार जैसे ही आपको वो ओवरव्यू मिल जाता है उसके बाद हम एक डीप डाइव करेंगे और सारे के सारे कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो पहले एक सिंप्लीफाइड ओवरव्यू उसके बाद डीप डाइव ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सो so, सारी की सारी बात स्टार्ट होगी इस डायग्राम से जो कि ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर का मेन डायग्राम है बट इस डायग्राम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये डायग्राम देखने में थोड़ा डरावना लगता है सो so, अगर मैं इसको एकदम सिंप्लीफाई करना चाहूँ कि मैं किसी पांच साल के बच्चे को भी समझा पाऊँ तो शायद इस डायग्राम का सबसे सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ये होगा जिसको मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ट्रांसफॉर्मर इज नथिंग बट अ बॉक्स ट्रांसफॉर्मर को आप एक बॉक्स की तरह समझ सकते हो और उस बॉक्स के अंदर दो और बॉक्सेस होते हैं ठीक है पहले बॉक्स का नाम है एनकोडर जिसका काम होता है इनपुट को एनकोड करना और दूसरे बॉक्स का नाम है डिकोडर जिसका काम होता है एनकोडेड सेंटेंस को या एनकोडेड इनपुट को डी करना और आउटपुट को प्रिंट करना ठीक है अब ये तो हमें समझ में आ गया कि एकदम सिंपलेस्ट लेवल पे ट्रांसफार्मर एक बॉक्स है जिसके अंदर दो और बॉक्सेस हैं अब इसको हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं सो so, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ये होगा कि जो एनकोडर का आपका बॉक्स है वो एक सिंगल बॉक्स नहीं है वो एक्चुअली सिक्स बॉक्सेस से मिल के बना है सो so, मेरे कहने का ये मतलब है कि ट्रांसफार्मर का जो एनकोडर होता है वो एक्चुअली छ एनकोडर ब्लॉक्स से मिलकर बनता है और यही सेम बात डिकोडर के लिए भी ट्रू है ट्रांसफॉर्मर का डिकोडर भी एक सिंगल बॉक्स नहीं है बट वो सिक्स बॉक्सेस से मिलकर मिल है या सिक्स ब्लॉक से मिलकर है सो ये रहे वो सिक्स ब्लॉक्स अब ऑब्वियस क्यूरियोसिटी आती है कि एनकोडर का कोई एक सिंगल ब्लॉक के अंदर होता क्या है

आइडेंटिकल होते हैं मतलब इनका आर्किटेक्चर बिल्कुल कॉपी पेस्ट होता है पैरामीटर्स अलग होते हैं ठीक है इनके अंदर जो वेट्स एंड बाइसेज हैं वो अलग अलग होंगे उनकी वैल्यूज़ अलग होंगी बट आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेम है ठीक है इसको आप ऐसे सोचो कि एक कंपनी का कोई फ़ोन उठा लो मान लो आई फोन तो सारे आई फोन बिल्कुल सेम तरीके से डिज़ाइंड है बट उस फ़ोन के अंदर कौन से एप्स है 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 वो वो करता है। तो तो का architecture सभी blocks का सभी उसके अंदर की जो parameter values है, वो अलग अलग होती ठीक है। है? अब ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन एनकोडर ब्लॉक ऑफ टू ब्लॉक्स सेल्फ अटेंशन फीड फॉरवर्ड बट अगर मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी आ रही है कि ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है तो इसका आंसर आपको ये डायग्राम देगा ये जो डायग्राम है ये एग्जैक्ट कटआउट है हमारे असली ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर डायग्राम का और यू कैन सी ये कितने कॉम्प्लेक्स तरीके से ये दोनों मॉड्यूल्स या दोनों ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड है ठीक है अब मजे की बात क्या है कि इसमें थोड़ा और डिटेलिंग है और वो डिटेलिंग आता है इस एनएक्स से इस एनएक्स का मतलब ये है कि आपका टोटल मिला के सिक्स

जिसका आउटपुट निकल करके इस आउटपुट ब्लॉक में जाता है और अब आउटपुट ब्लॉक नहीं होता है सच आप उस आउटपुट को डायरेक्टली यूज कर लेते हो बट जो भी है ये डायग्राम थोड़ा सा मिसलीडिंग है बिगनर्स के लिए असली में ट्रांसफार्मर का एनकोडर ऐसा दिखाई देता है ठीक है अब अच्छी बात क्या है कि ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है आप चाहो तो पीछे जाकर के एनकोडर वाला जो आर्किटेक्चर वीडियो है वो देख सकते हो ठीक है हमारा इस वीडियो का कंसर्न है डी कोडर तो लेट्स टॉक अबाउट द डी कोडर तो जस्ट लाइक एनकोडर डी कोडर भी सिक्स ब्लॉक से मिलकर बना है ऑब्वियस क्यूरियोसिटी आ रही होगी आपके मन में कि एक सिंगल ब्लॉक के अंदर क्या चल रहा है तो उसका सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ये होगा सो so, डी कोडर का एक सिंगल ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ थ्री ब्लॉक्स फर्स्ट ब्लॉक इज मास्ड सेल्फ अटेंशन जो हमने पढ़ा था सेकेंड इज क्रॉस अटेंशन जिसको हम एनकोडर डिकोडर अटेंशन भी बुलाते हैं और ये भी हम पढ़ चुके हैं और थर्ड होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क इन तीन ब्लॉक से मिलकर के डी का एक सिंगल ब्लॉक बनता है अब अगर आपके मन में ये ये क्यूरियोसिटी आ रही है कि ये सारे ब्लॉक्स आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है तो इसका आंसर आपको देगा ये डायग्राम जो कि एग्जैक्ट कटआउट है मेन डायग्राम का ठीक है तो यू कैन अगेन सी कितना कॉम्प्लेक्स तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रहा है और ये सारे के सारे मॉड्यूल्स या सारे के सारे ब्लॉक्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है और यही हमें इस वीडियो में पढ़ना है अब मज़े की बात फिर से क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक सिंगल एनकोडर ब्लॉक डी ब्लॉक नहीं है वी हैव गॉट सिक्स डी कोडर ब्लॉक्स विच मीन्स कि हमारा जो डी है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है सो यहाँ से इनपुट जाता है ये हमारा फर्स्ट डी ब्लॉक है जिसके अंदर तीन ब्लॉक्स हैं इसका जो आउटपुट है वो सेकेंड वाले डी ब्लॉक में घुसता है जिसके खुद के ये तीन ब्लॉक्स हैं इसका आउटपुट थर्ड वाले में घुसता है एंड सो ऑन ऐसा करते करते आप सिक्स डी ब्लॉक में पहुंचते हो और सिक्स डी ब्लॉक से जो आउटपुट निकलता है वो एक आउटपुट ब्लॉक uh, से जाकर के टकराता है और यहाँ पे आपको आपका आउटपुट मिलता है ठीक है तो करने की जरूरत नहीं है आई नो देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट डोंट वरी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये अंदर का इन्फॉर्मेशन फ्लो काम कैसे कर रहा है ठीक है इस पॉइंट पे जस्ट आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू देना चाह रहा था मैं आपको थोड़ा ऊपर आप से नीचे का पूरा नजारा देख लो कुछ ऐसा है हमारा डी कोडर दिस इज हाउ आर डी कोडर लुक्स लाइक ठीक है अब हम क्या करेंगे इस पूरे के पूरे डायग्राम को पकड़ेंगे और इसमें हम एक एग्जाम्पल सेंटेंस फीड करेंगे और उस सेंटेंस की जर्नी के थ्रू हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर काम कैसे करता है सो डोंट वरी इट वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है सो लेट्स कंटिन्यू तो चलो गाइज अब हम लोग करते हैं डीप डाइव डी के आर्किटेक्चर में मैंने पूरा का पूरा आर्किटेक्चर यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ऑल सिक्स एंड को डी कोडर और अब हम लोग इसको बहुत सिस्टमैटिकली स्टडी करने वाले हैं ठीक है सो so, इस पूरे के पूरे समझाने के प्रोसेस को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ सो इन द फर्स्ट पार्ट हम इतना पार्ट समझने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हम डी में जो इनपुट देते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं ठीक है तो यहाँ पे दो तीन तरह के काम आप करते हो वो हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ़ द एक्सप्लेनेशन है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ़ द एक्सप्लेनेशन मैं आपको एग्जैक्टली exactly एक्सप्लेन करूंगा कि एक सिंगल डी ब्लॉक के अंदर क्या चल रहा होता है ठीक है तो ये सबसे बड़ा पार्ट ऑफ़ द एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पे थोड़ा हम टाइम स्पेंड करेंगे बट यहाँ पे अंदर सब कुछ हम अच्छे से समझेंगे ठीक है उसके बाद अच्छी बात क्या है कि सिंस ऑल द डिकोडर ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये वाला ब्लॉक के अंदर क्या चल रहा है समझ लिया तो आपको ऑटोमेटिकली अगले पांच ब्लॉक्स भी समझ में आ जाएंगे ठीक है और फिर थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन में मैं आपको ये आउटपुट ब्लॉक में क्या चल रहा होता है ये समझाऊंगा सो so, पूरा का पूरा ये जो डीप डाइव है इसको आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इनपुट ब्लॉक प्रोसेसिंग या डिकोडर के अंदर वाला पूरा पोर्शन और फिर आउटपुट ब्लॉक ठीक है और इस पूरे के पूरे डिस्कशन को कैरी आउट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ेंगे और वो एग्जाम्पल है मशीन ट्रांसलेशन टास्क ठीक है सो so, हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल लेके चलेंगे और हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं बाय द वे ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था सो so, इस पॉइंट पे आप ऐसा अज्यूम करो कि आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट है इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस का और फिलहाल आप ऐसा मान सकते हो कि आपके पास सिर्फ एक ही रो ऑफ डेटा है जहाँ पर इंग्लिश सेंटेंस है वी आर फ्रेंड्स और उसका हिंदी ट्रांसलेशन है हम दोस्त हैं इसके अलावा आपके पास और कोई भी इंग्लिश हिंदी सेंटेंस पेयर्स नहीं है हम क्या करेंगे हम इस डेटा को भेजेंगे हमारे डी में ठीक है उससे पहले एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इंग्लिश सेंटेंस किस में जाएगा एनकोडर के अंदर और एनकोडर उससे कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग्स या फिर आप एनकोडर एम्बेडिंग्स उसको बुला सकते हो वो जनरेट करके आपको दे देगा सो इन शॉर्ट डी का काम स्टार्ट करने के पहले एनकोडर अपना काम कर चुका होगा और वो इस इंग्लिश सेंटेंस को प्रोसेस कर चुका होगा और इसके हर टोकन के लिए कॉन्टेक्चुअल या फिर एनकोडर एम्बेडिंग्स जनरेट कर चुका होगा जो हमारे पास ऑलरेडी होंगी और फिर टी कोडर अपना काम स्टार्ट करेगा विद द हिंदी सेंटेंस आई रियली होप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सेटअप पूरा क्लियर है ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन ऑन टी कोडर आर्किटेक्चर एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज़ दिस इनपुट पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर तो चलो गाइज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इनपुट वाले पोर्शन से इनपुट वाले पोर्शन में चार ऑपरेशन होते हैं और इन चारों ऑपरेशन का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है उसको हम शिफ्टिंग बुलाते हैं जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है शिफ्ट राइट right, उसके बाद आता है टोकनाइजेशन उसके बाद आता है एम्बेडिंग और उसके बाद आता है पोजिशनल एनकोडिंग ये पूरा का पूरा जो इनपुट ब्लॉक है इसका काम बहुत सिंपल है ये आपके आउटपुट सेंटेंस को लेता है हमारे केस में जो आउटपुट सेंटेंस है वो हिंदी सेंटेंस है हम दोस्त हैं और उसको प्रोसेस करके इस फॉर्म में लेके आता है कि आप उसको इस डिकोडर के फर्स्ट ब्लॉक में भेज पाओ ठीक है so, सो ये तो हो गया एक ओवरव्यू अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इस इनपुट वाले पोर्शन में हो क्या रहा है सो so, इसके लिए हम नीचे जाएंगे मैंने एक डिटेल्ड डायग्राम बना रखा है हम उसको यूज़ करेंगे सो so, हमारा एनकोडर हमारा इंग्लिश सेंटेंस को प्रोसेस करके बैठा हुआ है और अब हमारे पास हमारा हिंदी सेंटेंस है हम इस पूरे के पूरे हिंदी सेंटेंस को उठाते हैं हम दोस्त हैं और इसके ऊपर हम जो फर्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं वो है राइट शिफ्टिंग ठीक है और इस ऑपरेशन के लगाने के प्रोसेस में आप क्या करते हो कि आप एक काइंड ऑफ टोकन ऐड करते हो सेंटेंस के फ्रंट में जो कि स्टार्ट टोकन है जो कि ट्रेनिंग को स्टार्ट करवाने में काइंड uh, ऑफ kind of, एक फ्लैग की तरह काम करता है ठीक है इट मीन्स कि यहां से हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है सो so, अब हमारा जो ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट है वो है स्टार्ट टोकन हम दोस्त हैं ठीक है उसके बाद आता है सेकंड ऑपरेशन सेकंड ऑपरेशन है टोकनाइजेशन टोकनाइजेशन आपको ऑलरेडी पता होगा टोकनाइजेशन में आप एक सेंटेंस को टोकन्स में ब्रेक डाउन करते हो अब वो वो टोकन्स वन वर्ड्स हो सकते हैं बाईग्राम्स हो सकते हैं एनग्राम्स हो सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है हम बहुत सिंपल टोकनाइजेशन टेक्निक ले रहे हैं हम बेसिकली uh, हर वर्ड को एक टोकन में कन्वर्ट कर रहे हैं सो जैसे ही हम इस टोकनाइजर से पास करेंगे हमारे uh, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को हमें चार टोकन्स मिल रहे हैं वन इज़ स्टार्ट टोकन हम टोकन दोस्त टोकन और है टोकन ये चार अलग टोकन्स मुझे मिल गए उसके बाद आता है थर्ड ऑपरेशन जो कि है एम्बेडिंग लेयर सो इस लेयर का काम क्या है कि ये जो इंग्लिश में वर्ड्स लिखे हुए हैं या हिंदी में वर्ड्स लिखे हुए हैं जो भी है उसको तो आपका मशीन समझ नहीं पाएगा तो देर हैज़ टू बी सम वे जिसकी हेल्प से आप क्या कर सको कि आप अपने वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर सको तो ये एम्बेडिंग लेयर का काम यही होता है वो आपके हर टोकन को पकड़ता है और उससे वेक्टर्स जनरेट करता है ट्रांसफॉर्मर्स के ओरिजिनल पेपर में हर वेक्टर जो यहाँ पे दिख रहा है वो 512 सौ बारह डायमेंशन का है बेसिकली 512 हंड्रेड एंड ट्वेल्व यूनिक नंबर्स और नॉट यूनिक डज नॉट नेसेसरली मीन की यूनिक हो बट पाँच सौ बारह नंबर्स की हेल्प से हम एक वैक्टर फॉर्म करते हैं सो so स्टार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ई वन वैक्टर मिल रहा है जो पाँच सौ बारह डायमेंशन का है हम के कॉरस्पॉन्डिंग ई टू वैक्टर मिल रहा है जो अगेन पाँच सौ बारह का है दोस्त के कॉरस्पॉन्डिंग ई थ्री आया और है के कॉरस्पॉन्डिंग ई फोर आया और ये चारों वैक्टर्स पाँच सौ बारह डायमेंशन के हैं ठीक है थेके? अब इस पॉइंट तक हमने ये अचीव कर लिया है कि हमारे हर टोकन के लिए हमारे पास वेक्टर्स हैं जो मशीन प्रोसेस कर सकता है बस एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि हमने किसी भी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम में नहीं रखा है कि कौन सा वर्ड पहले आया है कौन सा वर्ड बाद में आया है और आपको पता है एन रिलेटेड टास्क में ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशल है कि कब कौन सा वर्ड यूज हुआ है सेंटेंस में तो इस इंफॉर्मेशन को लाने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम पोजिशनल एनकोडिंग बुलाते हैं ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है पोजिशनल एनकोडिंग क्या करता है कि हर यूनिक पोजिशन के लिए एक वैक्टर जनरेट करता है जैसे पोजिशन वन के लिए वो एक वैक्टर जनरेट करेगा पोजिशन टू के लिए एक वैक्टर जनरेट करेगा पोजिशन थ्री के लिए और पोजिशन फोर के लिए वो एक एक वैक्टर जनरेट करेगा और यहाँ पे भी हम मेक श्योर sure करते हैं कि हर वेक्टर जो जनरेट हो रहा है वो 512 सौ डायमेंशन का ही हो ठीक है सो so, इस पॉइंट पे मेरे पास दो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं फर्स्ट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं मेरे एम्बेडिंग वेक्टर्स और सेकेंड सेट ऑफ वेक्टर्स हैं मेरे पोजिशनल एम्बेडिंग वैक्टर्स ठीक है अब हमें क्या करना है इन दोनों को ऐड कर देना है विच मीन्स कि हम स्टार्ट टोकन का एम्बेडिंग वैक्टर को ऐड करेंगे फर्स्ट पोजिशन एम्बेडिंग वैक्टर से हम हम टोकन के एम्बेडिंग वैक्टर को ऐड करेंगे सेकेंड पोजिशन के एम्बेडिंग वेक्टर से एंड सो ऑन सिंस ये दोनों सेट्स पाँच सौ बारह डायमेंशनल वैक्टर के हैं तो ये एडिशन हो जाएगा और इससे हमें फाइनली हमारे इनपुट वैक्टर्स मिल जाएंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर बेसिकली जितने आपके टोकन्स हैं सेंटेंस में उतने ही आपके वैक्टर्स होंगे और ये फाइनल सेट ऑफ वैक्टर्स ही आपके डी में घुसेंगे सो so, ये जो एक्स वन है ये एक्स टू है एक्स थ्री और एक्स फोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्टर्स हैं बिकॉज ये वो वैक्टर्स हैं जिनको हम भेजेंगे हमारे डी कोडर के फर्स्ट ब्लॉक में इस जगह पे ठीक है तो आई होप इनपुट वाला ब्लॉक कैसे काम करता है या इनपुट वाला ये पूरा लेयर कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ गया अब लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट विच इज द डी कोडर फर्स्ट डी कोडर ब्लॉक अब जो हमारा फर्स्ट डी कोडर ब्लॉक है इसमें तीन मेन ऑपरेशन होंगे फर्स्ट है ये वाला ऑपरेशन जहाँ पे हम मास्कड मल्टी हार्ड अटेंशन अप्लाई करेंगे उसके बाद है ये वाला ऑपरेशन जहाँ पर हम क्रॉस अटेंशन अप्लाई करेंगे और फिर थर्ड ऑपरेशन जहाँ पे हम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करेंगे तो एक एक करके हम ये तीनों देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होता है सो so, हमारे पास x1, x2, x3, x4 हमारे चार इनपुट वैक्टर्स हैं जो कि इस जगह पर हैं और अब हम इन चारों को भेज रहे हैं हमारे डी ब्लॉक के अंदर जहां पे उनको सबसे पहले रिसीव करेगा ये मास्क मल्टी हेड अटेंशन ब्लॉक ठीक है अब अगर आपने मेरा मास्क सेल्फ अटेंशन वाला वीडियो देखा होगा तो शायद आपको याद होगा कि ये जो मास्क मल्टी हेड अटेंशन ब्लॉक है ये बिल्कुल एक नॉर्मल मल्टी हेड अटेंशन की तरह ही काम करता है दर इज ओनली वन बिग डिफरेंस कि यहाँ पे मास्किंग इम्प्लीमेंटेड है सो so मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि यहाँ पे होगा क्या कि आपके हर इनपुट वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग वेक्टर जनरेट होगा जैसे कि एक्स वन के लिए जेड वन एक्स टू के लिए जेड टू एक्स थ्री के लिए जेड थ्री एक्स फोर के लिए जेड फोर एंड सो ऑन ठीक है बट एक बड़ा डिफरेंस क्या होगा कि ये जेड वन को जनरेट करने के प्रोसेस में हम सिर्फ स्टार्ट को कंसिडर करेंगे बाकी तीनों को कंसिडर नहीं करेंगे हम को दोस्त को है को कंसिडर नहीं करेंगे Z2 को जनरेट करने के प्रोसेस में हम सिर्फ स्टार्ट और हम को कंसिडर करेंगे बाकी दोस्त और है को कंसिडर नहीं करेंगे Z3 को जनरेट करते टाइम हम स्टार्ट हम और दोस्त तीनों को कंसिडर करेंगे है को कंसिडर नहीं करेंगे और जब हम Z4 को जनरेट करने जाएंगे तब हम इन चारों को कंसिडर करेंगे दैट्स द ओनली डिफरेंस between अ नॉर्मल multi-head अटेंशन एंड अ masked multi-head अटेंशन ठीक है सो आई रियली होप आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या चल रहा है अगर आपको इसका डिटेल समझना है गो बैक टू द मास्क सेल्फ अटेंशन वाला वीडियो वहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस समझा रखा है कि कैसे आप मास्किंग करते हो और मास्किंग के बाद कैसे ये आउटपुट निकल के आता है ठीक है सो so, इस पॉइंट पर अगर हम हम अपने मेन डाइग्राम पर जाएँ तो हम इस जगह पे हैं अगर मैं एक डिफरेंट कलर यूज़ करूँ हम इस जगह पे हैं हमारा मास्ट हेड अटेंशन का आउटपुट हमें मिल चुका है अब इसके जस्ट आगे क्या है एक एड एंड नॉर्म ब्लॉक है ठीक है सो यहाँ पे हमें क्या करना है सबसे पहले एक एडिशन परफॉर्म करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करना है सवाल ये आता है कि हमें ऐड किसको, किसको किसको करना है द आंसर इज़ वेरी सिंपल हमको मास्ट मल्टीहेड अटेंशन का जो रिजल्ट आया है Z1 Z2 Z3 Z4 उसको ऐड करना है विद द ओरिजिनल इनपुट वेक्टर्स X1 X2 X3 X4 और वो इसलिए हो रहा है बिकॉज ये देखो यहाँ पर एक रेजिडुअल कनेक्शन है एक स्किप कनेक्शन है तो यहाँ से हम X1 X2 X3 X4 को एज इट इज़ आगे भेज देंगे और उसको ऐड करवा देंगे Z1, Z2, Z3, Z4 से सो so अगर हम इस डायग्राम में जाएं तो आप ध्यान देना कि नॉट ओनली हमने x1, x2, x3 को ऊपर भेजा है मास्क मल्टी एट अटेंशन में बट साथ ही साथ हमने ये पाथ पे भी उसको भेज करके एक रेजिडुअल कनेक्शन क्रिएट किया है सो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास x1, x2, x3, x4 एज इट इज आ चुका है और अब हम उसको किससे ऐड कर रहे हैं Z1, Z2, Z3, Z4 से सो so ये सारे वैक्टर्स अभी 512 सौ बारह डायमेंशनल वैक्टर्स हैं तो इनके बीच में आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हो और इनको ऐड करने से आपको ये नए वैक्टर्स मिलते हैं जिनको हम फिलहाल Z1 वन डैश जेड टू डैश जेड थ्री डैश एंड जेड फोर डैश बुला सकते हैं इसके बाद आता है नॉर्मलाइजेशन का स्टेप और नॉर्मलाइजेशन में भी कौन सा नॉर्मलाइजेशन लेयर नॉर्मलाइजेशन सो वॉट वी डू इज कि हम इन सारे वैक्टर्स को लेयर नॉर्म वाले लेयर में भेजते हैं और लेयर नॉर्म वाला लेयर क्या करता है कि फॉर ईच वेक्टर वो म्यू और सिग्मा कैलकुलेट करता है और फिर उस म्यू और सिग्मा की हेल्प से नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करता है और फॉर एवरी वेक्टर हेयर यू विल गेट अ नॉर्मलाइज्ड वेक्टर हेयर ठीक है और ये स्टेप आप इसलिए करते हो बिकॉज आप अपने ट्रेनिंग को थोड़ा स्टेबल बनाना चाहते हो यू वुड ऑलवेज वॉन्ट कि आपके इन वैक्टर्स में जो भी नंबर्स हों वो एक स्मॉल गिवन रेंज में हो ताकि ट्रेनिंग प्रोसेस स्टेबल हो अभी तक हमने जो भी स्टेप्स यहाँ पे अपनाए हैं यहाँ पे हमने खूब सारे मल्टीप्लीकेशन एडिशन्स वगैरह किए हैं सो देर इज़ अ चांस कि आपके पास कुछ बड़े नंबर्स भी हों जिससे आपका ट्रेनिंग अनस्टेबल हो जाए तो ये लेयर नॉर्मलाइजेशन ऐड करने से क्या हो रहा है ये पूरा का पूरा प्रोसेस नॉर्मलाइज हो जा रहा है पूरे के पूरे वैक्टर्स नॉर्मलाइज हो जा रहे हैं ट्रेनिंग प्रोसेस नॉर्मलाइज हो जा रहा है तो इस पॉइंट पर अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं इस जगह पर एड एंड नॉर्म से हमें जो आउटपुट मिला वो अब हमारे पास है जिसको अब हम अगले ब्लॉक के पास भेजेंगे जो कि है हमारा क्रॉस अटेंशन ब्लॉक अब क्रॉस अटेंशन ब्लॉक जो है ना वो इस पूरे डिकोडर आर्किटेक्चर का सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है बिकॉज यहाँ पर आ, सबसे पहले तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है और वो काम ये है कि आप अपने इनपुट सीक्वेंस जो कि एक इंग्लिश सेंटेंस है और जो आपका आउटपुट सीक्वेंस है जो कि एक हिंदी सेंटेंस है उन दोनों के बीच में बात करवाते हो सो बेसिकली फॉर ईच टोकन दैट इज प्रेजेंट इन योर इंग्लिश सेंटेंस यू फाइंड आउट अ सिमिलैरिटी स्कोर विद ईच टोकन दैट इज प्रेजेंट इन योर हिंदी सेंटेंस राइट और ये काम कहाँ पे हो रहा है क्रॉस अटेंशन वाले ब्लॉक में इस जगह पे ठीक है एंड दैट इज वाई आप नोटिस करोगे कि इस ब्लॉक में दो जगह से इनपुट आ रहा है एक इनपुट आ रहा है यहां पिछले वाले मास्ट अटेंशन ब्लॉक से और एक यहाँ से आ रहा है और ये जो इनपुट आ रहा है ना ये एक्चुअली आपके एनकोडर से निकल के आ रहा है so सो अगर आप पूरा डायग्राम देखो तो आप नोटिस करोगे कि जब एनकोडर अपना काम करना कंप्लीट कर लेता है तो वो अपना आउटपुट भेजता है इस जगह पे डी में और वही आपको यहाँ पे मिलेगा ठीक है तो अगर मैं एकदम समराइज कर पाऊँ आपके लिए तो जो आपका क्रॉस अटेंशन ब्लॉक होता है वो बिल्कुल काम तो करता है नॉर्मल मल्टी हेड अटेंशन ब्लॉक की तरह बस एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि अनलाइक अ नॉर्मल मल्टी हेड अटेंशन ब्लॉक जहां पर आप सिर्फ एक सीक्वेंस इनपुट में भेजते हो क्रॉस अटेंशन में आप दो सीक्वेंस भेजते हो वन इज आपका इंग्लिश सेंटेंस जो आपके एनकोडर से आ रहा है सेकेंड इज योर हिंदी सेंटेंस जो आपका डी कोडर के प्रीवियस स्टेप से आ रहा है यहाँ से इस जगह से ठीक है और आप ऐसा इसलिए करते हो मैंने बता रखा है हालांकि क्योंकि आपको चाहिए होते हैं तीन सेट ऑफ वेक्टर्स क्वेरी की और वैल्यू वेक्टर्स तो आपका जो क्वेरी वेक्टर है वो आपको मिलता है आपके डी वाले सेक्शन से और आपका जो की और वैल्यू वैक्टर है वो आपको मिलता है यहाँ से एनकोडर से एक बार जैसे आपको की वैल्यू और क्वेरी वैक्टर्स मिल जाते हैं आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा एक नॉर्मल सेल्फ अटेंशन ब्लॉक में होता है सो so अगर मैं ये चीज आपको दिखा पाऊं डायग्रामेटिकली सो ये देखो हम फिलहाल इस जगह पे थे पिछला जो हमारा मास्क सेल्फ अटेंशन था वहां से हमें जो आउटपुट मिला था वो था Z1 वन नॉम जेड टू नॉर्म जेड थ्री नॉम जेड फोर ठीक है अब हम क्या करेंगे हम इसको भेज देंगे क्रॉस अटेंशन वाले ब्लॉक में बट यहाँ पे हम सिर्फ ये Z1 वन नॉम जेड टू नॉम ही नहीं भेजेंगे हम एनकोडर से जो हमारा एनकोडर एम्बेडिंग्स आ रहे हैं उनको भी भेजेंगे ठीक है सो so ये Z1 वन नॉम जेड टू नॉम से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे क्वेरी वैक्टर्स और ये जो एनकोडर से आ रहा है इससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे की और वैल्यू वैक्टर्स एक बार जैसे ही क्यू के और वी वैक्टर्स आपको मिल जाएंगे आप वो सारा काम करोगे जो आप एक अटेंशन ब्लॉक में करते हो और फाइनली आपको फिर से मिलेगा आपका कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग वन फॉर ईच टोकन ऑफ योर आउटपुट सेंटेंस सो अगर आपके आउटपुट सेंटेंस में चार टोकन्स हैं जैसे हमारे पास चार टोकन्स थे तो आपको हर टोकन के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग वैक्टर मिल जाएगा जिसको हम फिलहाल जेड सी वन जेड सी टू जेड सी थ्री और जेड सी फोर बुला रहे हैं और C का यहाँ पे मतलब है क्रॉस अटेंशन का आउटपुट ठीक है सो so इस पॉइंट पे हम यहाँ पे आ चुके हैं इस जगह पे वी आर हियर क्रॉस अटेंशन का आउटपुट हमें मिल गया है और फिर से इसके ठीक आगे लगा हुआ है एड एंड नॉर्म ठीक है तो फिर से सवाल आता है कि क्या ऐड होगा बहुत सिंपल है आप क्रॉस अटेंशन के आउटपुट को ऐड करोगे प्रीवियस स्टेप से जो आपका आउटपुट आ रहा है विच इज़ मास्ट वाले स्टेप से जो आपका आउटपुट आ रहा है बेसिकली जेड वन नॉम जेड टू नॉम ठीक है सो so देखो मैंने क्या किया नॉट ओनली इन जेड वन नॉम जेड टू नॉम को क्रॉस अटेंशन में भेजा है बट साथ ही साथ एक रेजिडुअल कनेक्शन यूज़ करके उनको यहाँ पे भेज दिया है जहाँ पर वो एड हो जाएंगे जेड सी वन जेड सी टू जेड सी थ्री जेड सी फोर जो कि क्रॉस अटेंशन का आउटपुट है ये सब अभी भी पाँच सौ बारह डायमेंशनल वैक्टर्स हैं तो एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको ऐड करने से हमें मिलेंगे एक नए सेट ऑफ वैक्टर्स जिनको हम जेड सी वन डैश जेड सी टू डैश जेड सी थ्री डैश एंड सो ऑन बुला रहे हैं और उसके बाद सिंस अगेन इतना सारा मल्टीप्लीकेशन वगैरह हुआ है तो देर इज़ अ चांस कि कुछ बड़े नंबर्स हों वक्टर्स के अंदर विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आर ट्रेनिंग तो हम क्या करेंगे एक लेयर नॉर्मलाइजेशन स्टेप अप्लाई करेंगे जहां पर हम हर वेक्टर का म्यू और सिग्मा कैलकुलेट करके उसको नॉर्मलाइज़ करेंगे और उसको नॉर्मलाइज करने से फाइनली हमें नए सेट ऑफ वेक्टर्स मिल जाएंगे जेड सी वन नॉम जेड सी टू नॉम एंड सो ऑन। सो इस पॉइंट पे हम हमारी इस पूरी डी कोडर जर्नी में इस जगह पे आ चुके हैं ये जगह पे और जो अगली चीज़ है वो है फीड फॉरवर्ड वाला ब्लॉक जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की जो है फीड फॉरवर्ड ब्लॉक इस पॉइंट पे हम यहाँ पर हैं हमारे डिकोडर आर्किटेक्चर में और हम अब आगे बढ़ेंगे फीड फॉरवर्ड लेयर की तरफ ठीक है सो so, डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको दिखाऊं सो करेंटली हमारे पास ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जेड सी वन नॉम जेड सी टू नॉम सो ऑन अब इनको हमें भेजना है एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में ठीक है सो so, इस फीड फॉरवर्ड न्यूरल न्यूरल नेटवर्क का सबसे पहले मैं आपको आर्किटेक्चर बताता हूँ और आर्किटेक्चर बताने के पहले एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ कि ये जो आर्किटेक्चर है ये एग्जैक्टली exactly वही आर्किटेक्चर है जो आपने एनकोडर के आर्किटेक्चर में देखा था ठीक है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो so, ये जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है दिस कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स दो लेयर्स हैं पे सो uh, so, जो फर्स्ट लेयर है ये वाला लेयर इसमें आपको मिलते हैं टू जीरो फोर एट और इनका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो है रेल्यू ठीक है और ये जो सेकेंड आपका लेयर है इसमें है पाँच सौ बारह न्यूरोन्स और इसमें जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है वो है लीनियर ठीक है अगर आप पैरामीटर्स की बात करो तो ये जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है ये अपने इनपुट में एक्सपेक्ट करता है 512 डाइमेंशनल इनपुट ठीक है तो यहाँ पे 512 है यहाँ पे 2048 है और सिंस ये फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है तो यहाँ पे आपके जो वेट्स होंगे वो होंगे 512 क्रॉस 2048 इतने वेट्स आपके यहाँ पर हैं उसके बाद हर न्यूरॉन का खुद का एक बायस है तो टोटल मिला के यहां पे 2048 बायस है ठीक है तो इस को हम W1 बुला रहे हैं और इस सेट ऑफ टू जीरो फोर एट बाइसेस को हम B1 बुला रहे हैं ठीक है फिर अगर आप यहाँ पे बात करो कि यहाँ पे कितने वेट्स हैं तो सिंस यहाँ पे टू जीरो फोर एट न्यूरोन्स है और यहाँ पे पाँच सौ बारह हैं तो अगेन वी हैव टू ज़ीरो फोर एट क्रॉस पाँच सौ बारह वेट्स इनको हम डब्लू टू बुला सकते हैं और फिर यहाँ पर हर न्यूरॉन का ख़ुद का बायस है तो टोटल पाँच सौ बारह न्यूरस है तो वी हैव पाँच सौ बारह बाइसेज इनको हम बी टू बुला सकते हैं ठीक है तो दिस इज द आर्किटेक्चर अब मजे की बात क्या है कि यहाँ पर हम सिर्फ 512 हंड्रेड डायमेंशनल इनपुट भेज सकते हैं बट हमारे पास ऐसे ऐसे चार वेक्टर्स हैं तो हम क्या करेंगे हम एक बैच क्रिएट करेंगे सो हमने इन चारों वेक्टर्स को मिला करके एक मेट्रिक्स क्रिएट कर लिया जो कि फोर क्रॉस 512 का हो गया ठीक है फोर रोस 512 कॉलम्स अब ये पूरा का पूरा बैच हम लोग एक साथ इस न्यूरल नेटवर्क में भेजेंगे तो सबसे पहले क्या होगा जब इनपुट होगा तो इन वेट्स के साथ जब इंटरेक्शन होगा तो इन अ वे यू कैन से कि आपका अगर इन सबको आप कलेक्टिवली जेड बुला रहे हो तो ये ऑपरेशन होगा डब्ल्यू वन डॉट प्रोडक्ट जेड प्लस बी वन ठीक है और अगर आप शेप चेक करना चाहते हो तो ऑपरेशन कुछ ऐसा हो रहा है फोर क्रॉस पाँच सौ बारह इन वेट्स के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वेट्स हैं पाँच सौ बारह क्रॉस टू ज़ीरो फोर एट ये दोनों सेम है तो रिजल्टेंट हमें फ़ोर क्रॉस टू ज़ीरो फ़ोर एट एक मेट्रिक्स मिलेगा इस पर्टिकुलर लेयर में और इसमें हम टू ज़ीरो फोर एट का एक वेक्टर ऐड कर देंगे तो अगेन हमें रिजल्टेंट फोर क्रॉस टू ज़ीरो फोर एट का मेट्रिक्स मिलेगा विच बेसिकली कि हमें अपने चारों वेक्टर्स का हमने डायमेंशन बढ़ा दिया अभी भी मेरे पास चार वेक्टर्स हैं बट हर वेक्टर का डायमेंशन अब पाँच सौ बारह के बदले टू जीरो फोर एट हो गया उसके बाद आप क्या कर रहे हो आप इसके ऊपर लगा रहे हो रैल्यू रैल्यू लगाने से क्या होगा कि आप नॉन लीनियरिटी कैप्चर कर पाओगे जो कि मेन पर्पज़ है इस पूरे के पूरे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का एक बार जैसे आप नॉन लीनियरिटी कैप्चर कर लोगे अब आप आगे बढ़ोगे अगले लेयर के पास और अगले लेयर में आप क्या करोगे इस पूरे क्वांटिटी को W2 से मल्टीप्लाई करोगे सो फिलहाल ये जो क्वांटिटी है इसका शेप है फोर क्रॉस टू जीरो फोर एट उसको आप डब्लू टू से डॉट प्रोडक्ट करोगे जो कि है टू ज़ीरो फोर एट क्रॉस पाँच सौ बारह ये दोनों सेम है सॉरी ये दोनों सेम है तो आपको वापस से ये मेट्रिक्स मिलेगा फोर क्रॉस पाँच सौ बारह इसमें आप पाँच सौ बारह का बायस वेक्टर ऐड करोगे जिससे आपको अगेन फोर क्रॉस पाँच सौ बारह का ही मेट्रिक्स मिलेगा विच इज़ अगेन बेटर वे ऑफ सेइंग कि हमारे पास चार वेक्टर्स हैं और सबका डायमेंशनैलिटी पाँच सौ बारह है सो हुआ क्या कि हमने यहाँ पे चार वेक्टर्स भेजे और चार वेक्टर्स निकाले 512 का साइज का भेजा था 512 का ही निकाला बस बीच में हमने क्या किया रैल्यू अप्लाई किया और रैल्यू अप्लाई करने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो भी नॉन लीनियरिटी है मेरे डेटा में मैं उसको कैप्चर कर पा रहा हूँ ठीक है सो so, ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पास चार वेक्टर्स हैं सभी का शेप 512 ही है बट अब ये जो वेक्टर्स हैं इनके पास नॉन लीनियर इंफॉर्मेशन कैप्चर करने का भी पावर है सो इनको मैं y1 वाई टू वाई थ्री और वाई फोर बुला रहा हूँ सॉरी यहाँ पे टाइप हुआ हो, हो जाएगा ठीक है सो so, अब हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं इस जगह पे फीड फॉरवर्ड से हमें आउटपुट मिल गया वी आर हेयर अब फिर से इसके आगे एड एन नॉर्म है तो देखो फिर से मैंने क्या किया जेड सी वन नॉर्म जेड सी टू नॉम को सिर्फ मैंने इस फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में नहीं भेजा एक रेजिडुअल कनेक्शन के थ्रू यहाँ पे भेज दिया है और सिंस ये सब 512 के आ, वेक्टर्स हैं इनके बीच में वी कैन परफॉर्म एडिशन जिससे हमें y1- वन डैश वाई टू डैश वाई थ्री डैश एंड वाई फोर डैश मिल गया जिनको हम नॉर्मलाइज़ करेंगे बिकॉज अगेन खूब सारे ऑपरेशन परफॉर्म हुए तो लेयर नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करेंगे जिससे हमें फाइनली मिलेगा वाई वन नॉम वाई टू नॉम वाई थ्री नॉम एंड वाई फोर नॉम अगेन ये चारों अभी भी पाँच सौ बारह डायमेंशनल वैक्टर्स ही हैं ठीक है एंड विद दैट वी हैव रीच्ड हियर एंड दिस विल बी दिस फोर वेक्टर्स आर द आउटपुट ऑफ डीकोडर वन इस फर्स्ट डीकोडर का ये आउटपुट है सो आई रियली होप इस पूरी जर्नी के थ्रू आप समझ पाए कि एक सिंगल डीकोडर ब्लॉक में क्या चल रहा है ठीक है अब इसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ एक डी नहीं होता हमारे पास इन टोटल सिक्स डी कोडर ब्लॉक्स हैं सो so, होगा क्या कि जैसे ही आपको अपने फर्स्ट डी कोडर ब्लॉक से आउटपुट मिलेगा और वो आउटपुट है ये वाई वन नॉम वाई टू नॉम वाई थ्री नॉम एन सो ऑन तो आप उसको सीधे भेज दोगे डी कोडर ब्लॉक टू में और डी कोडर ब्लॉक टू में फिर से ये सेम ऑपरेशन एज इट इज एग्जीक्यूट होंगे द ओनली डिफरेंस वुड बी कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स होंगे वो अलग होंगे बट ऑपरेशंस बिल्कुल सेम होंगे फिर से आप मास्क मल्टी हेड अटेंशन लगाओगे उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन लगाओगे फिर उसको आगे भेजोगे क्रॉस अटेंशन लगाओगे उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन फिर फीड फॉरवर्ड फिर से नॉर्मलाइजेशन और आप यहाँ पे पहुँच जाओगे और यहाँ पे फिर से आपको एक सेट ऑफ वैक्टर्स मिलेंगे जैसे आपको यहाँ पे वाई वन नॉम वाई टू नॉम मिल रहा था तो आपको फिर से यहाँ पर एक वाई वन नॉम वाई टू नॉम मिल जाएगा उसको आप फिर डी कोडर थ्री में भेजोगे और ऐसे करते करते आप एकदम एंड तक जाओगे अपने सिक्स डी ब्लॉक तक और सिक्स डी ब्लॉक से आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा तो वही मैंने इस डायग्राम में दिखा रखा है कि अभी आप डी कोडर वन में हो और डी कोडर वन का आउटपुट आपको मिल गया है दिस इज डी कोडर वन का आउटपुट अब इसके बाद बीच में फाइव मोर डी कोडर लेयर्स आर देयर या फाइव मोर डी कोडर ब्लॉक्स आर देयर और जब उन सबको एक एक करके आप प्रोसेस करते जाओगे तो फाइनली आपको आपका वेक्टर मिलेगा और उसको मैंने वाई एफ वन नॉम वाई एफ टू नॉम वाई एफ थ्री नॉम से डिनोट किया है वेयर एफ स्टैंड ठीक है और ये अब फाइनल आउटपुट है जिसको मुझे प्रोसेस करना है और आउटपुट प्रिंट करना है और अब हम डिस्कस करेंगे द लास्ट पार्ट ऑफ दिस आर्किटेक्चर दैट इज द आउटपुट ब्लॉक तो गाइज अब आता है इस पूरे आर्किटेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट uh, अभी तक हमने पूरा का पूरा डी का जो सिक्स लेयर्स का स्टैक था उसको क्रॉस कर लिया है और इस पॉइंट पे हम यहाँ बैठे हुए हैं ठीक है और हमारे पास हमारे वेक्टर्स आ चुके हैं जो फाइनल वेक्टर्स हैं वाई एफ़ वन नॉम वाई एफ़ टू नॉम वाई एफ थ्री नॉम अब बस एक लास्ट काम बचा है कि मुझे अपने हर टोकन के लिए एक हिंदी वर्ड प्रिंट करना है या आउटपुट देना है तो ये देखो कैसे होगा इसके लिए आपको ये आउटपुट वाला पूरा पोर्शन समझना पड़ेगा सो so ये आउटपुट वाला पूरा पोर्शन एक्चुअली दो चीज़ों से मिलके बना है यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा एक लीनियर और एक सॉफ्ट मैक्स लेयर ठीक है अब ये कुछ खास चीज़ नहीं है इसको आप बहुत ईजिली कंपेयर कर सकते हो एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के आउटपुट लेयर के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि इसका आर्किटेक्चर कैसा है सो so, यहां पर होता क्या है कि यहां पे बेसिकली आपके पास एक सिंगल लेयर होता है ठीक है और इस लेयर को आप एक 512 हंड्रेड डायमेंशनल इनपुट दे सकते हो ठीक है अब इस लेयर में न्यूरॉन्स कितने होते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस लेयर में हमारे पास v न्यूरॉन्स होते हैं v का मतलब v एक प्रीडिफाइंड नंबर है जो डिसाइड होता है इस बात से कि आपके पूरे डेटा सेट में हिंदी वर्ड्स का वोकेबलरी काउंट कितना है समझना इस बात को सो so, हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं सो so, मेरे पास एक कॉलम में इंग्लिश के सारे सेंटेंसेज हैं और दूसरे कॉलम में हिंदी के सारे सेंटेंसेज हैं जैसे यहाँ पर देखो ये मेरा डेटा सेट है आई एम गुड उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं बढ़िया हूँ वी आर फ्रेंड्स उसके कारस्पॉन्डिंग हम दोस्त हैं इस तरीके से मान लो हमारे पास फाइव थाउजेंड सेंटेंस पेयर से तो मैं क्या करूंगा मैं जाऊंगा अपने हिंदी वाले पूरे के पूरे डेटा में और मैं यूनिक वर्ड्स काउंट करने लगूंगा जैसे मैं एक यूनिक वर्ड है बढ़िया एक यूनिक वर्ड है ऊँ यूनिक है हम यूनिक है दोस्त यूनिक है है यूनिक है मान लो ऐसे ही आगे जाते जाते फिर से हम आया किसी और सेंटेंस में तो हम इस हम को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको काउंट कर चुके हैं तो इस तरीके से आप वो बनाते हो सारे यूनिक वर्ड्स जो भी आपके डेटा सेट में है हिंदी वाले उनकी एक वोकैबलरी बनाते हो सो so, मान लो कि इन पांच हजार हिंदी sentences में दस हजार यूनिक हिंदी तो वर्ड्स का वैल्यू हैरी में हिंदी वर्ड्स होंगे उतना ही वी का वैल्यू होगा और उतना ही आप इस लेयर में ऐड करोगे सो so, यहां पर हमारे पास टेन थाउजेंड न्यूरो होने वाले हैं और मजे की बात क्या है कि ये फर्स्ट वाला न्यूरॉन रिप्रेजेंट करेगा हमारे वोकेबलरी के फर्स्ट वर्ड को विच इज़ मैं सेकेंड वाला न्यूरॉन रिप्रेजेंट करेगा मेरे सेकेंड वाले वर्ड को बढ़िया को ये रिप्रेजेंट करेगा हूँ को ये रिप्रेजेंट करेगा हम को ये रिप्रेजेंट करेगा दोस्त को ये रिप्रेजेंट करेगा हैं को और इस तरीके से दस हज़ार न्यूरोन्स दस हज़ार यूनिक हिंदी वर्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है अब यहां पर आपके वेट्स हैं ठीक है, वेट्स कितने होंगे सिंस यहां पे 512 आपका इनपुट आ रहा है और यहां पे v का वैल्यू 10k है तो यहां पे आपके जो वेट्स होंगे वो होंगे 512 सौ बारह मल्टीप्लाइड दस हजार ठीक है और हर न्यूरॉन का खुद का एक बायस होगा तो वी विल ऑल्सो हैव टेन थाउजेंड तो ये हमारा आर्किटेक्चर है ठीक है अब देखो होता क्या है सो so, इस पॉइंट पे मेरे पास चार वेक्टर्स हैं वन फॉर ईच टोकन दैट आई हैव सो ये फर्स्ट वाला स्टार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग है ये वाला हम के कॉरस्पॉन्डिंग है ये वाला हम के कॉरस्पॉन्डिंग है ये वाला दोस्त के कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये वाला है के कॉरेस्पॉन्डिंग है ठीक है तो सिंस यहाँ पर आप 512 सौ डायमेंशन का ही इनपुट दे सकते हो तो आपने क्या किया इन चारों वेक्टर्स को स्टैकअप कर लिया और एक मेट्रिक्स फॉर्म कर लिया फोर क्रॉस पांच सौ बारह का अब आप इस पूरे लेयर में बैच के फॉर्म में इनपुट दे सकते हो ठीक है तो बेसिकली ये पैरेलल प्रोसेसिंग होगा चारो टोकन के लिए बट मैं आपको फिलहाल सिर्फ एक टोकन के ऊपर चला के दिखाता हूं मान लो अगर हम सिर्फ ये वेक्टर भेजते इस लेयर में यहां पर तो हमारा इनपुट क्या होता वन क्रॉस पांच सौ बारह तो मैं बस ये आपको दिखाना चाहता हूँ फिर आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि चारों को साथ में भेजने पे क्या होगा सो so हम स्टार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो वेक्टर है इसको हमने इस लेयर में भेजा सो so सबसे पहले क्या होगा ये जो वाई एफ वन नॉम है वो इस वेट से मल्टीप्लाई होगा इसको हम लोग डब्लू थ्री बुला लेते हैं तो बेसिकली ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा डब्लू थ्री वाई एफ वन नॉम वाई एफ वन नॉम है वन क्रॉस पाँच सौ बारह डब्लू थ्री है पाँच सौ बारह क्रॉस दस हज़ार सो so, इससे मुझे मिलेगा वन क्रॉस टेन थाउजेंड बेसिकली एक वेक्टर जिसमें टेन थाउजेंड यूनिक होंगे सो so, बेसिकली यहां से एक नंबर निकलेगा यहां से एक नंबर निकलेगा यहां से यहां से यहां से सारे के सारे दस हजार न्यूरोन से एक एक नंबर निकल जाएगा मान लो यहां पे आया पॉइंट थ्री यहां पे आया पॉइंट सिक्स यहां पे आया पॉइंट थ्री यहां पे आया पॉइंट वन एंड सो ऑन ठीक है अब नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये सारे के सारे नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं दीज आर नॉट नॉर्मलाइज्ड ठीक है तो मैं क्या करूँगा इस जगह पे सॉफ़्ट मैक्स अप्लाई करूँगा जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है सो so, यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो कि हर न्यूरॉन पे सॉफ़्ट मैक्स एक्टिवेशन लगा हुआ है सो so, हम इन सारे नंबर्स को लेंगे और इसके ऊपर सॉफ्ट मैक्स चला देंगे ठीक है सॉफ्ट मैक्स क्या करेगा इन नंबर्स को नॉर्मलाइज़ कर देगा और नॉर्मलाइज भी इस तरीके से करेगा कि उन सब का सम मिला करके वन होगा ठीक है विच मीन्स ये सारे नंबर्स मिल करके एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर लेंगे ठीक है तो हो सकता है यहाँ पे आ जाए पॉइंट जीरो वन यहाँ पे आ जाए पॉइंट जीरो टू यहाँ पे आ जाए पॉइंट जीरो थ्री सो बेसिकली फॉर एवरी वर्ड आई विल हैव अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू ठीक है सो so, ऐसा हो सकता है मैं ये जो मेरा फर्स्ट न्यूरोन का वर्ड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आई पॉइंट टू बढ़िया जो मेरा अगला वर्ड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी प्रोबेबिलिटी वैल्यू आई पॉइंट जीरो वन ठीक है ऐसे करते करते हम जो मेरा वर्ड है जो मेरा फोर्थ वर्ड, वर्ड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी वैल्यू आई पॉइंट टू फाइव और इस तरीके से दस हजार वर्ड्स के लिए हर वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू कैलकुलेट की ठीक है अब आप क्या करोगे आप ये फाइंड आउट करोगे कि किस वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यू प्रो हाइएस्ट है सो यू कैन सी यहाँ पर हम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो सबसे हाइएस्ट है तो हम क्या करेंगे हम चूज़ करेंगे हम वर्ड को टू बी द आउटपुट इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग इस नेटवर्क से जो आउटपुट निकला है वो क्या होगा वो होगा हम ठीक है फिर सिमिलरली आप वाई एफ टू नॉम को भेजोगे इस नेटवर्क में वाई एफ टू नॉम इस डब्ल्यू थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो वन क्रॉस टेन थाउजेंड का नेटवर्क बनेगा उसमें आप ये बायस ऐड करोगे सो बेसिकली फॉर एवरी न्यूरॉन यू विल हैव वन अनलाइज नंबर उसको आप सॉफ्ट मैक्स में भेजोगे तो आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा मान लो उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्त वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट थ्री आ रहा है विच इज द हाइएस्ट इन ऑल द टेन थाउजेंड नंबर्स तो हम ये समझ जाएंगे कि इस वाई एफ टू नॉम जो हम का वैक्टर था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो वर्ड uh, मिल रहा है वो है दोस्त सिमिलरली दोस्त के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिला है और फिर है के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिला एंड और जैसे हमें एंड मिला हम समझ जाएंगे कि हमको यहाँ पर रुक जाना है ठीक है आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है सो दिस इज हाउ द डी कोडर आर्किटेक्चर वर्कस ठीक है सो आई वुड रिकमेंड एक बार आप कॉपी पेन लेकर के इस पूरे आर्किटेक्चर को ड्रॉ करके समझने की कोशिश करो इट्स वेरी सिंपल नाउ स्पेशली अगर आपने पीछे के सारे वीडियोस देख रखे हैं एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ हमने स्टार्ट किया था इनपुट वाले पोर्शन के साथ जहाँ पे चार ऑपरेशन होते थे शिफ्टिंग टोकनाइजेशन एम्बेडिंग पोजिशनल एन उसके बाद नेक्स्ट जो आया वो था आपका डिकोडर जिसमें हमने तीन मेजर ऑपरेशन किए मास्क सेल्फ अटेंशन क्रॉस अटेंशन फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क उसके बाद यही ऑपरेशन हमने पांच बार कॉपी पेस्ट किए बिकॉज हमारे पास पांच डी ब्लॉक्स थे छह डी ब्लॉक्स थे और फाइनली जब हम यहाँ पहुँचे तो फिर फाइनल आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हमने इस आउटपुट पोर्शन को डिस्कस किया जहाँ पे दो लेयर्स लगे हुए हैं लीनियर प्लस सॉफ्ट मार्क्स और उसकी हेल्प से वी आर एबल टू कैलकुलेट द आउटपुट प्रोबाबिलिटीज़ और फिर आउटपुट प्रोबाबिलिटीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वर्ड है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं सो दिस इज़ हाउ Uh, the decoder architecture works during the training stage. So I really hope ये video आपको अच्छे से समझ में आया और now you can be sure कि आपको encoder भी आता है decoder कोडर भी आता है अब अगली चीज जो हम discuss करेंगे next video में वो होगा कि हमारा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इन्फ्रेंस के टाइम पे prediction के टाइम पे कैसे बिहेव करता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है एनकोडर तो सेम रहेगा बट uh, डोडर में हम ऑटो रिग्रेसिव तरीके से काम करेंगे सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय